बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं SF TV। और हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह मैं मौजूद हूँ सुंदस फाउंडेशन सियालकोट के नर्सिंग डिपार्टमेंट में और डेली अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो हमेशा तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन बच्चों की जो दुख दर्द हैं और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ। और उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को इनकी थैलेसीमिया के हवाले से और इनके थैलेसीमिया में इनको प्रॉब्लम आने वाली जो होती है उनके बारे में बताना होता है। लेकिन जिस तरह पहले कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमारे पास एक पेशेंट था और वो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची जो है वो अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है। और उसके फादर जैसा कि बता रहे थे कि नेक्स्ट मंथ से वो अपनी यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन कर लेगी। तो इसी तरह की आज एक खुशखबरी और हमारे साथ मौजूद है, एक और पेशेंट और सुंदर फाउंडेशन की एक और सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जो थैलेसीमिया का पेशेंट है और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और बाकी की जो कहानी है, बाकी की जो बातें हम उनसे जाके करते हैं। हमारे साथ बच्चे के पेरेंट्स मौजूद है तो उनसे जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? ठीक, अच्छा सर, पहले तो बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह से आपके बच्चे को जो है वो इसने रिकवर किया है। और उस वाले से थोड़ा सा बताइए कहाँ पे ऑपरेशन हुआ और आप कब वहाँ पे गए और कितना टाइम लगा वहाँ? हमने इस्लामाबाद से करवाया, कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। ओके, तो तकरीबन एक साल रुके थे हम उधर इसके लिए। ठीक है, तो एक महीने के लिए ना एडमिट करते हैं बच्चे को, इसमें अपरेट नहीं है, इंजेक्ट है। ओके, यानी कि ऑपरेशन नहीं है, जो लोग बहुत सारे लोग डरते हैं कि ऑपरेशन होगा, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। सिर्फ जिस दिन इसको दाखिल करेंगे सेंटर लाइन लगाएंगे बस। ओके, एक माह के लिए वो, तो उसके बाद उसी से सारी मेडिसिन इसको मिलेगी, कीमोथेरेपी सारा कुछ इसी के ज़रिए होगा। उम्र कितनी है इसकी? इसकी अभी 7 ईयर होगी। 7 ईयर, अच्छा थोड़ा सा एक्सपेंस के हवाले से बता दें कि कितना ज़्यादा खर्चा आता है उस हवाले से। इसका खर्चा जो है ना तकरीबन 27.5 लाख वो एक माह का लेते हैं, बकाया टेस्ट वगैरह के हैं सारे, जो भी मेडिसिन वगैरह जो है ना उसके हैं, और ट्रीटमेंट के बाद भी इसका कुछ 8-10 लाख खर्चा है। आप क्या करते हैं? मेरा स्पेयर पार्ट का काम है। ठीक है, अच्छा वो कल जो हमारे पास एक पेशेंट आया था वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको जो है वो कुछ हुई है इमदाद, और वो तो मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरा नहीं था हुआ। आपका नहीं हुआ? मेरा नहीं था हुआ, मैंने मुझसे करवाया। कितनी देर हो गई है बच्चे को ब्लड नहीं लगा? अभी इसको 9 माह से ऊपर ही हो गया इसको ब्लड नहीं लगा। पहले हर महीने लगता था? पहले महीने में 2 दफ़ा भी लगता था, 3 दफ़ा भी लगता था, 1 दफ़ा भी लगता था, तो अभी इसको माशाल्लाह 9 माह हो गए इसको ब्लड नहीं लगा। कैसा फील कर रहे हैं माशाल्लाह से? शुक्र, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने पता नहीं किसकी दुआ सुन ली है, तो बहुत अल्लाह का शुक्र है जी माशाल्लाह से। जिस तरह हम पहले पेशेंट हमारे पास आते थे और हम उनको कहते थे कि अब इस बच्चे को सारी ज़िंदगी ब्लड लगेगा, और अभी इस तरह का ये 4th-5th केस है और हम इन बच्चों को सेहतयाब जब देख रहे हैं तो आपको बता नहीं सकते कि कितनी जो है उसकी खुशी होती है। लोगों को पता है ना कि थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं, थैलेसीमिया का इलाज है, इलाज है, इलाज है। ये इसका डोनर है, भाई है, उससे भी बात करते हैं। और ये खुशी जो मैं फील कर रहा हूँ या इनके फादर फील कर रहे हैं, इनकी मदर मौजूद हैं बच्चे की, और एक माँ जो है वो अपनी औलाद के हवाले से कितना कंसर्न होती है, कितना उनके दिलों में बच्चों के हवाले से कितनी ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं, कितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, तो उनको कितनी खुशी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप बताएं, मैं जिस तरह भी आपकी आंखों में आंसू भी मैं देख सकता हूँ और आपके जज्बात को भी समझता हूँ, कितनी खुशी महसूस कर रही हैं, क्या कहेंगे लोग? मैं ये कहूँगी कि जिनके बच्चे हैं इस पोजिशन में वो जानते हैं कि ये सिर्फ बच्चे की ज़िंदगी नहीं, ये माँ बाप की भी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड है। तो मैंने हला MA MEd LLB किया हुआ, इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ है मेरे पास कि एक वक्त में मैं दो तीन कोर्सेज कर रही थी, मगर जब ये सिचुएशन आई थी तो मैं अपने नाम की स्पेलिंग भी भूल गई थी, मुझे कुछ याद नहीं था रहा, तो मैं सो इस मसले के आगे कुछ सूझता नहीं था। इवन के नमाज़ पढ़ने बैठती थी तो मुझे नमाज भूल जाती थी, मैं सूरह फातिहा की जगह आयतल कुर्सी पढ़ी होती थी, फिर मैं सोच रही थी कि कोई और सूरत होती है, ये सूरत तो नहीं होती। मगर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने आजमाइश डाली, फिर उसने हौसला भी दिया। हम पहले कराची गए इसके ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने इतनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ये इशू है, ये इशू है, इतने रुपीज़ जितनी अमाउंट हम करके हार्डली गए थे उसे डबल उन्होंने बता दी उधर। वो ऐसा एक टाइम था कि इसके फादर तक हिम्मत हार गए थे, वो उधर रो पड़ते थे। फिर मैंने कहा कि अब ये भी नहीं टैकल कर रहे तो फिर मुझे तो करना है ना, फिर मैंने स्टेप लिया, मैंने कहा अल्लाह पाक पे उम्मीद रखें, वो बेहतर करेगा, हमने हिम्मत नहीं हारी।
हम उसके बाद हमें पता चला कि CMH रावलपिंडी जाएं, वहाँ पे हम गए, फिर उन्होंने बोला कि आप सिविलियन हैं, आपको फ़ौरन नई अपॉइंटमेंट मिलेगी, 3-4 साल लेट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता इस बीमारी में। फिर उन्होंने हमें रेफ़र किया कायद अजम इंटरनेशनल, वहाँ पे जनरल परवेज़ अहमद जो CMH से ही रिटायर्ड थे, हम जब गए उन्होंने हमें बोला कि कोई इशू नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल सब कुछ, तो इसमें परसेंटेज भी 80% तक है। तो फिर हमें बड़ा हौसला मिला, फिर अल्लाह ताला पे तवक्कल की, फिर टेस्ट करवाते रहे। इस तरह था कि एक दिन में हमने इन दोनों बच्चों के 40-40 तक टेस्ट करवाए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बीच में क्राइसिस आते भी रहे मगर उस पर तवक्कल की हुई थी। आप साबित कदम रही। और दूसरे एक और चीज़, एक बेटा जो है वो इस प्रॉब्लम में था, दूसरा बेटा इसका डोनर है, तो एक माँ के लिए डेफिनेटली औलाद जो है वो बड़ी, दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। तो जब आपको पता चला कि इस बेटे का ये डोनर है, इसमें से जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो इस हवाले से कुछ उस टाइम क्या आपके जज्बात थे? और फिर माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि वो साथ मौजूद है, क्या कहें? CMS रावलपिंडी वालों ने हमें ये बोला था कि हमारे 3 बच्चे हैं, बहन इन दोनों के सेंटर में है, शी इज़ 8 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने बोला था कि ये बड़ा है तो बेहतर, ये बेहतरीन ये है कि इसका मैच हो जाए आपकी पूरी फैमिली में से। तो मेरी यही दुआ थी कि अल्लाह करे कि इसका मैच हो जाए। फिर उन्होंने हमें गाइड किया था कि हम 6 माह के बच्चे का भी बोन मैरो लेते हैं, इसमें कोई क्राइसिस नहीं होते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर जब डॉक्टर साहब ने हमें ये समझा दिया, फिर हम अंडरस्टैंड करके, फिर वो जो होता है ना कि डोनर की तरफ से पैनिक होना, वो नहीं थे, हम रिलैक्स थे कि जब सब डॉक्टर्स ने हमें बोला है। तो फिर हमें यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इसी का मैच हुआ है, जिसके लिए डॉक्टर जो है ना डिज़ायर कर रहे थे कि बड़े का मैच हो। तो माशाल्लाह जब इसका उन्होंने लिया भी था बोन मैरो, तो नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि आप जा सकते हैं। वो भी रात उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock इसको उन्होंने लेके जाना था, अदरवाइज़ शायद वो रात भी ना रखते हैं। तो उन्होंने जब लिया कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला घर जाओ और उछलो, खेलो कूदो जंपिंग करो, कोई इशू नहीं। तो ना ही इसने कोई कंप्लेन की, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्हम्दुलिल्लाह। डोनर भी हमारे साथ मौजूद है जी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहद इफ्तार। अच्छा माहद, जब आपको सुई लगी थी दर्द से तो नहीं हुई थी? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है। अच्छा, खुशी है आपका भाई बिल्कुल ठीक हो गया आपकी वजह से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी है। लड़ते तो नहीं हो उसके साथ? नहीं, नहीं लड़ते। चले, बहुत शुक्रिया जनाब। ये आज के जो हमारे मैं समझता हूँ कि वही बात के जो उस बच्चे के वालदैन के जज्बात हैं, और जिस तरह से बहुत हिम्मत चाहिए होती है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है कि एक बाप को, एक माँ को अपने बच्चे के हवाले से इतना बड़ा डिसीजन लेना हो, और फिर इतनी अमाउंट जो है वो जितना उन्होंने मतलब बताया है, तो एक बाप के लिए सारी अरेंजमेंट्स करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं हैट्स ऑफ जनाब आपको, अल्लाह ताला ये जो आपके बच्चे की सेहत है जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से। और इस टाइम अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा, और उनसे भी पूछते हैं कि मेडिकली वो ज़रा हमें बताएं कि किस तरह की सिचुएशन थी और किस तरह से इनको गाइड किया गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बताइए, एक तो पेशेंट के हवाले से, इससे पहले हमने एक बात की थी थ्रोम्बोस्टेनिया जो पेशेंट है और वो रिकवर किया, आज थैलेसीमिया का पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, तो इसके हवाले थोड़ा मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से बताएं, और ये जो ऑपरेशन हुआ है इस हवाले से भी। जी सर, एक तो सर ये है कि इनकी मदर फादर हमेशा से मैंने कंसर्न देखे थे। एक वो उनका प्रोसेस चल रहा था ट्रांसप्लांट का, वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, लेकिन जहाँ तक ट्रांसफ्यूजन की बात है, टाइम पे आना, उसके फेरेटिन का ख्याल रखना, उसकी ट्रांसफ्यूजन का ख्याल रखना, मैंने हमेशा इनके पेरेंट्स को कंसर्न देखा है। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स सर, पेरेंट्स सब बराबर होते हैं, बच्चे सब को प्यारे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी थोड़े से कामों को दे देते हैं। फ़लाँ जगह हमने जाना था, किसी की शादी थी, कोई फोतकी हो गई थी, हम उधर चले गए, ब्लड लेट हो गया, एच बी ड्रॉप कर गई। तो मैं उनको कहती हूँ आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ठीक है, सारे काम चलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, इनके पेरेंट्स में वो चीज़ थी। इनकी मदर हमेशा खुद आना, उसके लिए कंसर्न रहना, और इन्होंने बड़ी भागदौड़ की। और इसके अलावा सर अभी भी ये बहुत कोऑपरेट करते हैं, हमारे जितने पेशेंट्स को इस हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी उनको गाइडलाइंस चाहिए हो, तो ये सर इन्होंने फ्रीली अपना नंबर जो है ना वो कहा हुआ है कि आप शेयर कर सकते हैं किसी से भी, सबको गाइड भी कर रहे हैं ये। और इंशाल्लाह हमारे सारे पेशेंट्स जितने भी अफोर्ड कर सकेंगे वो ज़रूर सेहतयाब होंगे वहाँ से। और दूसरा सर मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया या बोन मैरो? उनका सैंपल कहाँ से लिया था डोनर का? बोन से सैंपल लिया था या ब्लड सैंपल लिया था? नहीं, ये ना बैक बोन से लिया था उन्होंने। हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों के लिए बताएं, उनको होता है कि सारी ज़िंदगी कमर में दर्द रहेगा, डोनर को कुछ मसला हो जाएगा, तो थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ऐसा कोई इशू नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, ये माशाल्लाह
एवरी टाइम, अभी क्योंकि इसकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी ना, ऊपर नीचे तभी से माशाल्लाह आ रहा जा रहा है, इसमें कोई इशू नहीं। और हमने वहाँ पे बहुत से देखे हैं केसेस जिसमें सब डोनर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। इवन के एक डोनर जिसने अपनी बहन के लिए डोनेट करना था, सुबह 7 बजे वो उसका BMT जो है ना था, और शाम की 7 की उसकी मस्कत की फ़्लाइट थी, उसने मस्कत जाना था उसी दिन। तो आप ये देख लें कि डॉक्टर्स और उसके पेरेंट्स सब रिलैक्स थे, तो उसी दिन वो ट्रैवल कर रहा था फॉरन के लिए। ये अपने जहन से निकाल दें, ये कोई मसला नहीं है कि डोनर को कोई इशू हो सकता है, इसकी वो श्योरिटी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सीन इट, ये कोई मसला नहीं है। क्वेश्चंस के जो है ना आंसर्स आप लोगों तक पहुंच गए होंगे, और मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं बहुत सारे वालदैन यहाँ बैठे हैं और हमारी बातें बड़ी गौर से सुन भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा, ज़रा भी डॉक्टर अक्सर ने बताया कि माँ बाप सब जो है वो बराबर हैं, माँ बाप कोई भी है उनके लिए बच्चा उतना ही प्रायोरिटी का हकदार होता है और वो उसको करते भी हैं, लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ जो होती हैं वो इंसान के आड़े आती हैं। जिस तरह अभी भाई बता रहे थे कि 27 लाख रुपया उन्होंने अरेंज किया, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए भी, और आजकल जो हालात हमारे जा रहे हैं और हमारे मुल्क की हालात भी और दूसरी भी कारोबारी हालात भी, तो ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला से और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बहुत सारी माएँ हैं जो करवाना चाहती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेंस लोगों को पता ही नहीं था ना, कि अभी तक भी नहीं पता था। मैंने जब लोगों को कहा कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, वो कहते थे कि अच्छा ऐसा कोई इलाज भी है, हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया, या हमें तो पता ही नहीं चल सका। हाँ। या अगर पता भी चला तो वो डरते थे कि इससे तो मर जाएंगे, तो डायरेक्ट इस तरह। अच्छा, उसमें एक और चीज़ थी, मैंने जब वो कल वीडियो डाली तो उसमें कुछ कॉमेंट्स आए हुए थे कि सर ये तो अमीर लोगों का काम है, ये तो बड़े इसके ऊपर पैसे लगते हैं, हमारे पास इतना नहीं। हमारे पेशेंट में से भी बहुत सारे लोगों ने किया, तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग हम इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहब ऐसे किस डिटेल में, कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं और एक्सपेंस की वजह से जो है वो नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे अगर आप लोग उनको ऑन कर सकते हैं और इस ऑपरेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं इस मैसेज के साथ कि अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने हो जायद खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।